नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। यूमा रेजर एंड इसे आप समझ गए होंगे कि आज की जो थीम है दैट इज़ अबाउट टर्किश शेविंग प्रोडक्ट्स। नाउ टुडे आई एम यूजिंग टर्किश शेविंग प्रोडक्ट्स एंड आई एम गोइंग टू हैव वन पास शेव बिकॉज आई डोंट नीड दैट मच क्लोज शेव टुडे बिकॉज आई वांट टू शेव मे बी आफ्टर डे और टू and considering my skin a bit sensitive today I have also used Kama Ayurveda Rose and Jasmine face cleanser which is for sensitive skin. It's very good. It does not dry your skin, it moisturizes and it cleanses. So you can feel the cleansing effect but you don't necessarily feel any drying. So people with sensitive skin, do give this a try. I'll, of course, as always, I'll share the link of all the products in the description. What else? Basak. What is this? Basak Super Furka, if I am not wrong. This is again a Turkish shaving brush, probably used mostly in barber shop across Turkey. The coiffeurs use that. And then for the Derby Extra Blade, which I have. And the good old Arko. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द प्रोसेस। मैंने अभी ये ब्रश में से पानी बहुत अच्छे से निकाल लिया है बाहर और इसको धीरे 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 आर्को की शेविंग स्टिक से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। साबुन देख सकते हो आप इस प्रकार से, और ये साबुन भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप वन पास कर रहे हो तो थोड़ा सा ही साबुन चाहिए और इसमें काफ़ी अच्छा लादर प्रोड्यूस हो जाता है। नो नीड टू वरी अबाउट। या थोड़ा सा आप चाहे तो स्किन पे भी लगा सकते हो directly on your daadi. So with this, let's lather up. So the aroma of this Arko soap, जो Arko soap की सुगंध है, it is very controversial. Some people like it, some people hate it, some people like me are okay with it. I don't necessarily admire the aroma of this soap. It's some kind of mild and failed citronella aroma. So I can bear citronella aroma, which is okay. Some people don't like the citronella aroma because it's a bit off-putting. This brush, you can see this play, nice. Although it's boar hair, I have soaked it in water for a while before the shave, and when dry, this is actually, the bristles are quite stiff. बहुत कड़क हो जाते हैं इसके बाद. But whenever you soak it, they become soft. देखो इतना कम सोप गैदर किया था ब्रश पे तो भी कितना अच्छा वॉल्यूमिनस लादर बना है। सी आपको तो देख लो, what I have observed for myself is that whenever I use Arko soap, I don't need any pre-shave oil or pre-shave cream because Arko has lot of slickness. Now एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आर्को या डर्बी के कुछ फॉरेन सोप्स है जो इंडिया में बनते नहीं हैं, इनमें होता है सोडियम टैलोएट। सोडियम टैलोएट एक एनिमल प्रोडक्ट होता है दोस्तों। सोडियम टैलोएट विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग दिस सोप, फॉर दिस काइंड्स ऑफ सोप आर एनिमल प्रोडक्ट्स। सो इफ़ यू डोंट प्रिफर एनिमल प्रोडक्ट्स देन बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, clearing the sideburns and then shaving with this cute little razor See this, how ornate it is, कितनी सुंदर दिखती है, ऐसा लगता है कोई ज्वेलरी का पार्ट है। यूमा रेजर एल्यूमिनियम की बनी हुई है, देखने से लग रहा है एग्रेसिव होगी, और वेरी क्यूट, हैंडल इज वेरी गुड। लेट्स सी हाउ the shape goes. First pass with the green and the only pass. अब दोस्तों इसमें एक बहुत ही मज़े वाली बात है यूमा के अंदर। अब आप ब्लेड गैप देखो, यहाँ पे आपको ब्लेड गैप दिखेगा कि ब्लेड और जो बेस प्लेट है उसके बीच में कितना गैप है। देखो आप यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी एग्रेसिव होगी। हाउएवर सिंस आई हैव प्रैक्टिस्ड विद इट अ व्हाइल बिफोर, नॉट टुडे बट इन माई प्रीवियस शेप्स, आई हैव काइंड ऑफ remembered the angle. So it is not very aggressive, at the same time it is very efficient, very cute. The first term which comes to my mind after seeing this razor is very cute. But it shaves very well. इसके जैसी एक फूजी रेजर भी आती है, वो सही में बहुत एग्रेसिव है, ये उतनी नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लादर री अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई हो गया। Derby Extra Blade performing okay. Which blade can I compare it to? So अगर आपके पास लेजर अल्ट्रा ट्रिपल कोटेड एजेस वाली ब्लेड है, ये काफी कुछ वैसी ही है। एक्चुअली आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें एस्ट्रा एसपी, फेदर, शार्क, ये ब्लेड्स भी बहुत अच्छी है और मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में इनका रिव्यू करके बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो आप ये ब्लेड नहीं ले सकते तो फिर इसका अल्टरनेटिव कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पानी लगा के देखते हैं कितनी स्लिकनेस है। सो डेफिनेटली दोस्तों स्लिकनेस तो काफ़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वन पास के हिसाब से किस तरह की शेविंग हुई है। नाउ जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कार्ट्रिज रेजर से स्विच करना चाहते हो सेफ्टी रेजर्स पे, लेट्स से आप कार्ट्रिज रेजर यूज़ करते हो और आपको सेंसिटिव स्किन होने के कारण उससे प्रॉब्लम होता है, आप स्विच करो सेफ्टी रेजर पे और आप सिर्फ एक पास करो अप टू डाउन और विद द ग्रेन। अगर आपके बाल नीचे से ऊपर उगते हैं, जैसे मेरे यहाँ ऊपर से नीचे उगते हैं, अगर आपके नीचे से ऊपर उगते हैं इस डायरेक्शन में, तो आपका विद द ग्रेन मतलब इस तरीके से होगा यहाँ तक। अगर आपके यहाँ के बाल यहाँ से यहाँ उगते हैं तो आपका विद द ग्रेन ऐसा होगा। अगर आपके कलम के नीचे के बाल अगर डाउन उगते हैं तो आपका विद द ग्रेन ऐसा होगा। अगर आपका ऐसे उगते हैं तो ऐसा होगा। सो विद द ग्रेन का मतलब ये होता है द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ, विद द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। ऑल राइट, सो nice one bar shape, presentable. I think this would be good enough for 24 hours, no problem, no doubt. Good slickness still left. Time for after shave and product reviews. So pharmacy cologne lavender, aaj sahi lavender wala le liya hai. Today I have taken the correct one, lavender. Last time I thought it was lavender but it turned out to be bergamot. All right. So again some cologne. Nice lavender aroma, not bad at all. Very nice and very minimum burn. एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको आफ्टर शेव लोशन एल्कोहल बेस लगाने से बर्न होता है, प्रॉब्लम होता है, स्किन ड्राई करती है, पहले पानी लगाओ और फिर आफ्टर शेव लगाओ। उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होता है, सिर्फ विद द ग्रेन 1 बार शेव करो। स्पेशली पीपल विद सेंसिटिव स्किन 1 बार शेव ट्राई करो, इफ इट सूट्स गुड। ऑलराइट गाइस, कीप अप द गुड शेव्स, कीप कमेंटिंग बिलो, राइट योर क्वेश्चंस, राइट योर फीडबैक, एनी एप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेलकम एंड सो आर द क्रिटिकल कमेंट्स। सो कीप अप द गुड शेव्स, स्टे ट्यून्ड, बाय, चाओ।